राम चाई, आई एम साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी हमारे आस पास मटेरियल का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ आपके आस पास, कोई भी चीज़ जो क्या कर रही हो, जिसका वेट हो और जो थोड़ी सी क्या करती हो, ज़्यादा वेट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल बोलते हैं। यानी आपके आसपास कोई सी भी आप चीज़ अगर देख रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्टिंग कर रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, शॉर्ट आउट कर रहा है, मतलब उसको क्या कर रहा है, अलग अलग उसके शेप के अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग या उसकी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है, मीन्स अलग अलग कर रहा है, ठीक। और उसके बाद से क्या कर देना, उसका ग्रुप बना देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको और क्लियर आप समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ आपको। जैसे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपको सिर्फ किताबें ही किताबें मिलती है। तो जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जो आपकी लाइब्रेरी होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, काउंटर्स होते हैं, मतलब डिफरेंट सेक्शन होते हैं। यानी अगर आप एक सेक्शन में जाते हैं, एक कॉलम में जाते हैं तो आपको सिर्फ मैथ्स की बुक मिलती है, ठीक। फिर दूसरे सेक्शन में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर सारी इंग्लिश की बुक है। फिर इसी तरीके से आप आगे जाते हैं, वहाँ पर साइंस की बुक है, हिंदी की बुक है, एंड सो ऑन। यानी वहाँ पे सारी जो सब्जेक्ट्स की बुक होती है उनको क्या किया जाता है, सेपरेट करके रखा जाता है। और फिर जब आप मैथ्स वाले कॉलम में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको पता चलता है कि जो मैथ्स वाले कॉलम है उसमें भी क्लास वाइज जो बुक्स होती है वो क्या होती है, सॉर्टेड होती है, मतलब अलग अलग उसमें क्या होती है, उसको अलग अलग, उसको वहाँ पे अलग करके रखा जाता है, सॉर्ट आउट करके रखा जाता है, ताकि आपके लिए क्या ईजी हो लोकेट करना। मीन्स अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आपको मैथ्स की बुक चाहिए, आपको तुरंत बता दिया जाएगा हाँ इस कॉलम में चली जाइए, वहाँ पर मैथ्स की बुक मिल जाती है। आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे आपको कॉलम वाइज आपको दिख जाता है क्लास सिक्स की बुक है, क्लास सेवन की बुक, क्लास एट की बुक है। तो जिस क्लास की बुक चाहिए आप उस काउंटर से क्या करते हैं, उस बुक को निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, जब आपने क्या किया, ग्रुपिंग किया, जब आपने क्या किया, शॉर्टिंग किया। तो यहाँ पे आज इस चैप्टर के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि जो भी जो मटेरियल्स होते हैं उनका हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं, मीन्स उनको अलग अलग रखते हैं, ठीक है। और उसका क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, मीन्स कि बहुत सारे मटेरियल एक साथ मिक्स कर दिए गए हैं, उनको हम क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे, और सेपरेट करने के बाद से एक जैसे दिखने वाली चीज़ें, एक सेम साइज की चीज़ें, उनको हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, इससे आपको कुछ ज़्यादा समझ आ जाए। जैसे आप जो ग्रॉसरी की दुकान पर जाते हैं, जो ग्रॉसरी की दुकान होती है, यानी जो किराना स्टोर होती है, जो नॉर्मल जो किराना स्टोर होती है जहाँ से आप सामान लेके आते हैं, जब आप किराने के स्टोर में जाते हैं अपने घर की लंबी सी पर्ची लेके, अपने घर का सामान लेके, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ मटेरियल्स लिखा होता है। यानी आपकी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली बहुत सारी जो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स होते हैं सबकी क्या होती है, लंबी सी लिस्ट होती है। आप उसको दुकानदार को दे देते हैं कि भैया मुझे ये सामान चाहिए, आप इसको जल्दी से निकाल दो। तो वो दुकानदार क्या करता है, वो पर्ची को देखता है और 15 से 20 मिनट उसको लगता है, आधे लगता है, और सारा सामान क्या करता है, निकाल के आपको दे देता है। बट जब आप उसकी दुकान पर देखते हो तो आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ है। यानी इतनी सारे सामानों के बीच में से उसको कैसे पता है कि कौन सा सामान कहाँ पर है, तो उसने क्या किया था, उसने शॉर्टिंग की हुई थी, यानी अलग अलग सामान को क्या रखा था, अलग अलग जगहों पर रखा हुआ था। यानी जिस काउंटर पर उसने सोप्स रखे हुए थे, उस काउंटर में सिर्फ क्या होगा, अलग अलग कंपनियों के सोप होंगे। जिस काउंटर में उसने बिस्किट रखा हुआ था, उसमें अलग अलग कंपनियों की क्या होंगे, बिस्किट होंगे, ठीक। उस तरीके से जो अलग अलग जो कुकीज होती है उसका एक अलग काउंटर होगा। और फिर जो भी आपकी जो डेली डे टू डे लाइफ की यूजेज वाली चीज़ें होती है सबका आप देखते होंगे एक अलग अलग काउंटर होता है, एक अलग अलग कॉलम होता है जिसमें उसने उसको रखा हुआ था। अब उस कॉलम के अंदर जब आप जाते हैं, जैसे बिस्किट वाले कॉलम में आप गए, तो वहाँ पे अलग अलग कंपनियों के भी जो बिस्किट्स होते हैं उसको एक लाइन में उसने क्या रखा था, उसको अच्छे से करके रखा हुआ था, यानी उसका क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था। तो इस तरीके से उसने क्या किया, टाइम को बचा के इजली क्या किया, लोकेट करके, और उसको तुरंत क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग मटेरियल्स को क्या करते हैं, हम लोग शॉर्टिंग करते हैं और क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। तो आई होप लाइब्रेरी और ग्रॉसरी के एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। शॉर्टिंग का मतलब आप कह सकते हैं छांटना, छांटने का मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे सामान क्या एक साथ मिक्स है, उसमें से आप क्या करते हैं, आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही है कि ये इससे मैच नहीं कर रही है, इसके जैसा नहीं, उसको आप करते हैं अलग कर देते हैं। इस तरीके से पहले आप क्या किया, आपने सामान को छांट के बिल्कुल अलग कर दिया। उसके बाद से आप ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग का मतलब आपको चलिए लग रहा है कि ये सामान एक जैसे है, दिखने में एक जैसा है, सेम साइज है, कलर एक जैसा है, तो उसको आप क्या करेंगे, एक साथ एक जगह पर रख देंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्रुपिंग। तो डे टू डे लाइफ में जितने भी यूज करने वाले जो मटेरियल्स हैं उसका हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, क्या करते हैं, शॉर्टिंग करते हैं। तो जितने भी हमारे डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, देखिए अब ये जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं इनके शेप्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। इनके साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं, इनके क्या हो सकते हैं, कलर्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। इवन
मटेरियल के बारे में, ठीक है, मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, यानी अलग अलग मटेरियल्स के भी बने हो सकते हैं। तो इनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, यानी जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उसके शेप के अकॉर्डिंग उसको आप क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसके साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर जिस मटेरियल का वो बना हुआ उसके अकॉर्डिंग उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, उसका ग्रुप बना सकते हैं। In order to understand the things around us, यानी अपने आसपास की चीजों को समझने के लिए, अब sorting और grouping क्यों करते हैं? Understand करने के लिए, यानी समझने के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो आप चीजों को आसानी से समझ नहीं कर सकते हैं। ठीक? तो आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको classify कर देते हैं अलग-अलग groups में। हम लोग क्या करते हैं, classify करते हैं, यानी classification कर देते हैं, classification into groups, क्या करते हैं, अलग-अलग groups को क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक, जैसे आपने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा होगा, देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ दिस टॉपिक, उस टॉपिक को क्या करते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, यानी एक कैटेगरी होगी, एक कैटेगरी होगी, अब इसके इतने टाइप्स, इसके इतने टाइप, तो उसी तरीके से हम मटेरियल के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहा था, सॉर्टिंग और ग्रुपिंग। तो सॉर्टिंग और ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करते हैं, शेप के बेसिस पे करते हैं, साइज के बेसिस पे करते हैं, कलर के बेसिस पे करते हैं, या फिर जिस मटेरियल का वो बना होता है उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक, तो अब हम ये जानेंगे कि सॉर्टिंग और ग्रुपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी सॉर्टिंग और ग्रुपिंग करना क्यों चाहिए, क्या जरूरत ऐसे पड़ेगी कि सॉर्टिंग और ग्रुपिंग हम लोगों ने सीखा। देखिए, जो सॉर्टिंग और ग्रुपिंग की जो एडवांटेज है या जो खूबी है वो क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स अराउंड इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग, यानी हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, इजीली लोकेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज हमने कहां रखी थी, हम लोग जान सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, यह हमारा क्या बताता है, टाइम सेविंग भी होता है, टाइम को क्या करता है, बचाता है। तो ये सारे कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, किसके, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग की, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग। देखिए, पहला मैंने लिखा था लोकेट, जैसे मैंने बताया था आप जब दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार फटाफट क्या करता है, आपकी पर्ची को पढ़ता है और वो दुकान में चला जाता है, अलग अलग जगह से तुरंत क्या करता है, सामान निकाल के रखना लगता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि उसके बिस्किट कहाँ रखा है, उसको पता है उसके कुकीज कहाँ रखे हुए, नमकीन कहाँ पर रखा हुआ है, जो अदरक यूज करने वाले जो सोप्स है वो कहाँ पर रखा हुआ था, जो डिओड्रेंट्स है वो कहाँ पर, शैम्पू पाउडर, यानी जितनी भी यूज करने वाली चीजें सब उसको पता है कि किस काउंटर पे क्या दिख रहा है। आप जब जाते भी तो लाइन से सब कुछ क्या रखा होता है, सजा के रखा होता है, आपको दिख जाता है कि इस वाले काउंटर पे सारा क्या रखा हुआ है, साबुन रखा हुआ है, इस काउंटर पे सारा शैम्पू रखा हुआ है, इस काउंटर पे सारा पाउडर रखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, लोकेट करना आसान होता है, आइडेंटिफाई यानी पहचानना आसान होता है। जब आप क्या करते हैं, ग्रुपिंग करके रखते हैं, तो उसको पहचानना क्या होता है, आसान होता है। और टाइम सेविंग, ग्रुपिंग क्या करता है, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग आपके टाइम को क्या करता है, बचाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैं बार बार ग्रुपिंग और सॉर्टिंग के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो ग्रुपिंग और सॉर्टिंग जो होता है वो किसके लिए हम लोग करते हैं, चीजों को क्लासीफाई करने के लिए, मीन्स उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्लासिफिकेशन का मैं आपको डिफिनेशन लिखता हूँ और उसको आपको समझाता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग किसके लिए हम लोग करते हैं, क्लासिफाई करने की चीजों को। ठीक, अब देखिए करते हैं, ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स, किसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स की बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, सॉर्टिंग एंड सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स की बेसिस पे, जिसपे हम लोग क्या, किस चीज को हम लोग कंसिडर करते हैं, हम उसके साइज को कंसिडर करते हैं, हम उसके शेप को कंसिडर करते हैं, उसके कलर को कंसिडर करते हैं, या किस मटेरियल का बना रहा है, या फिर उसका नेचर कैसा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अब इसका मतलब समझिए, व्हाट डू मीन बाय क्लासिफिकेशन। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल का, बहुत सारे मटेरियल है, उसका हम लोगों ने क्या किया, सॉर्टिंग और ग्रुपिंग किया। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, ग्रुप के बेसिस पे, जिसपे हम लोगों ने किसको कंसिडर किया, साइज के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, शेप के बेसिस पे ग्रुप बना सकते हैं, कलर के बेसिस पे ग्रुप बना सकते हैं, मटेरियल के बेसिस पे, या फिर उसके नेचर के बेसिस पे।
मान लीजिए हम लोगों ने सोचा कि जिस चीज की साइज इतनी बड़ी हुई उसको सबको क्या कर दिया एक कॉलम में रखेंगे, तो इस तरीके से हम लोग साइज को क्या बना लिया अपना बेस बना लिया ग्रुप करने के लिए। शेप का हो सकता है कि जितने भी स्क्वायर थिंग्स वाली चीजें हैं वो क्या होंगी एक कॉलम में होंगी, जितने भी रेक्टेंगल शेप वाली चीजें होंगी वो एक कॉलम में होंगी। यहाँ पर हम शेप को बेसिस बना लिया किसके लिए ग्रुपिंग के लिए। उसी तरीके से कलर को भी यूज कर सकते हैं, मीन्स होता है कि जितने भी एक कलर के पेंसिल्स होंगे उनको एक साथ रखेंगे, इस कलर के पेंसिल्स को एक साथ रखेंगे, इससे क्या होता है लोकेट करना पहचानना आसान हो जाता है, ठीक है, उसको टाइम बचता हमारा उसमें। और क्या होता है नेचर के बेसिस पे या फिर मटेरियल के बेसिस पे। तो जो आपका क्लासिफिकेशन होता है उसका डिफिनेशन क्या होगा उसको ध्यान से सुन लीजिए। ग्रुपिंग और सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू सेपरेट ग्रुप्स, क्या करते हैं हम लोग सॉर्टिंग और ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, सेपरेट ग्रुप्स में किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप साइज कलर मटेरियल एंड नेचर, इस दो है क्लासिफिकेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, व्हाट यू मीन बाय ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स। तो आई होप क्लासिफिकेशन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स, हम लोग बात करते हैं क्यों हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो देखिए ग्रुपिंग ऑफ होता क्या है, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम मटेरियल्स को क्या करते हैं सेपरेट करते हैं और उनका क्या करते हैं सेपरेट ग्रुप बना देते हैं, ठीक, और किसके बेसिस पे उनके शेप साइज कलर के बेसिस पे, ठीक है। इससे क्या होता है इससे हम लोग का टाइम बचता है, इससे आइडेंटिफाई करना आसान होता है, जल्दी लोकेट कर सकते हैं, ठीक। तो ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स का मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली डिवाइडिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इसमें हम क्या करते हैं मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इनटू डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स। सेपरेट ग्रुप्स में क्या करते हैं इसको हम लोग डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स, सेपरेट ग्रुप्स में क्या कर लेते हैं डिवाइड कर लेते हैं, ठीक, इस तरीके से ताकि जो हर मेंबर के मतलब ईच ग्रुप के जो मेंबर्स हो बिल्कुल क्या हो आइडेंटिकल हो, सच दैट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, मेंबर ऑफ ईच ग्रुप रिसेंबल्स ईच अदर, रिसेंबल्स ईच अदर। तो ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल को क्या करते हैं मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं किस पे, डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स पे, इस तरीके से ताकि हर ग्रुप के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं वो क्या हो बिल्कुल बहुत एक दूसरे के जैसे हो, चाहे वो शेप के बेसिस पे हो, चाहे वो कलर के बेसिस पे हो, चाहे वो मटेरियल के बेसिस पे हो। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स में और क्या करते हैं यानी हर ग्रुप की जो मेंबर्स होते हैं यानी हर ग्रुप की जो मटेरियल्स है वो बिल्कुल क्या होते हैं एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज होती है, यानी सारी जो एक टाइप के ग्रुप्स होंगे उसके अंदर जितने भी मटेरियल्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी कॉमन होगी। अब चूंकि हम लोग ग्रुपिंग करते हैं सेपरेट ग्रुप्स बनाते हैं किसके किसके बेसिस पे बनाते हैं, तो बार बार आपको बता रहा था साइज के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे एंड नेचर के बेसिस पे, यानी उसका नेचर कैसा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्या है जैसा ही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स बनाते हैं किसकी चीजों को अलग अलग रखने के लिए, यानी अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं जिसके अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा क्या है इससे बहुत सारा फायदा है, ग्रुपिंग और सॉर्टिंग से क्या कर सकते हैं हम चीजों को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारा टाइम बचाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और एडवांटेजेस हैं, इसके बाद हम लोग वही पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग। एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग और क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग के एडवांटेजेस का, देखिए क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग क्या सेम थिंग है जिसको मैंने अभी बार बार समझाया था आपको कि क्या करते हैं मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं, मतलब अलग अलग चीजों को क्या करते हैं अलग अलग, जैसे आप अपने घर पे भी क्या करते हैं जब आप अपने कॉपी बुक क्या करते हैं अपने बैग के अंदर अच्छे से रखते हैं ना, कॉपी को पहले रखते हैं बुक को बाद में रखते हैं, सब्जेक्ट वाइज उसको आप क्या करते हैं बैग में उसको अच्छे से पाबंदी रखते हैं। तो यही सारी चीजें क्या है सॉर्टिंग है। ग्रुपिंग करने का मतलब क्या हो गया कि एक सब्जेक्ट की कॉपी एक साथ, एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ, इस टाइप की जो आप करते हैं चीजें करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रुपिंग करते हैं। तो इसके हमारे एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेजेस ये है कि सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को समझने में क्या करता है हेल्प करता है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज
एंड डिसिमिलर ग्रुप्स। यानी किन चीजों में समानता है, किन चीजों में असमानता है। समानता असमानता का मतलब कि कौन सी चीजें हूबहू एक जैसी हैं, कौन सी चीजें अलग अलग है, उसमें हम लोग को क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, अंडरस्टैंड करने में, अंडरस्टैंड टू सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। यानी समानता असमानता के बीच में फर्क क्या होता है उसके बारे में हम लोग को कौन बताता है, ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन। जैसे हमने बताया था कि अगर लाइब्रेरी में सारी किताबों को क्या कर दें, मिक्स कर दें, और आपसे मैं बोल दूं कि चाहिए मैथ्स की बुक लिखिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी हजार किताबों के बीच में मैथ्स की बुक हमको कहाँ मिलेगी, मैथ्स की बुक मुझे कौन देगा, मैथ्स की बुक किस कॉलम में किस रैक पर रखी हुई है, कहाँ से मिला होगा। आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा। बट अगर वहाँ पे क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग की गई होगी तो वहाँ पे आप सिमिलरिटीज देख सकते हैं कि हाँ इस कॉलम में क्या रखी हुई सारी मैथ्स की बुक में, और डिसिमिलरिटीज यानी इस कॉलम में क्या रखी हुई सारी इंग्लिश की बुक। तो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक, हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने। उसके बाद से लोकेशन ऑफ थिंग्स, लोकेशन यानी कौन सी चीज कहाँ पे रखी हुई, इसको हेल्प करता है लोकेशन ऑफ थिंग्स। जिस तरीके से मैंने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया था कि आपको पता होता है कि मैथ्स की बुक लास्ट कॉर्नर में, सेकेंड रो में, तीसरी वाली बुक जो होगी वो किसकी होगी, मैथ्स की, आपकी जो काम की बुक होगी वो होगी, ठीक। उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, उसको मैंने पहले भी बताया था, आइडेंटिफिकेशन यानी आप इसकी क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं चीज़ों को, इस पर हेल्प करता है। और कहाँ पे डिफरेंट जो आपकी जो मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी है और मीनिंगफुल, यानी जो स्टडी होती है अलग अलग चीज़ों के बारे में, जो स्टडी होती है, जो पढ़ाई होती है, उसको क्या बनाता है, ईजी बनाता है। स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स थे, जो एक जैसे मटेरियल थे, उनको एक ग्रुप में सेपरेट कर दे, आप दो तीन ग्रुप बना लीजिए। दो तीन ग्रुप आपने बना लिया, पहले ग्रुप के अंदर वो सारी चीज़ों को रख दिया जिसके सेम सारी चीज़ें क्या होती एक जैसी थी, फिर अगले में आपने कलर को बेसिस बना लिया, अगले में आपने किसी और चीज़ को बेसिस बना लिया। इस तरीके से आप क्या पाएंगे कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी मटेरियल्स आएंगे सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, एक जैसी होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, बहुत मीनिंगफुल तरीके से आप उसके बारे में जान सकते हैं। और क्या हो सकता है, नो द मटेरियल ऑफ विच द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, यानी मटेरियल किस ऑब्जेक्ट का बना था, मटेरियल फ्रॉम विच इट इज फॉर्म, यानी किस मटेरियल की आपकी सारी चीजें बनी हुई थी जिनका आप लोगों ने क्लासिफिकेशन किया, तो ये आपको क्या करता है पता चल रहा है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, सबसे पहले बताया था कि जो सिमिलरिटीज होती है, जो समानता है असमानता होती है किसी भी मटेरियल के बीच में, यानी कौन सी चीज़ हूबहू एक जैसी दिख रही है, कौन सी चीज़ नहीं दिख रही है, उसके बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस पता कर सकते हैं। इसके बाद से कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी हुई है वो हम पता कर सकते हैं क्लासिफिकेशन से, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, किस मटेरियल का क्या बना है वो भी। जैसे एक एग्जाम्पल इंग्लिश स्कूल का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, स्कूल देखिए स्कूल क्या है, बहुत सारे बच्चों का क्या है, ग्रुप है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट यानी एक लार्ज नंबर ऑफ बच्चों का क्या, एक जगह ऐसी जगह है जहाँ पे आपको क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। अब जब आप स्कूल के अंदर एंटर कर दिया तो अलग अलग क्लास बना दी गई होती है, बना दी गई होती है, मान लीजिए क्लास फर्स्ट है, ये क्लास सेकेंड है, ये क्लास थर्ड है, ये क्लास फोर्थ है, ये क्लास फिफ्थ है। तो अब ये क्या बना दिया गया, अलग अलग ग्रुप बना दिया गया, अलग अलग क्या बना दिया गया, ग्रुप बना दिया गया। आप जाहिर सी बात, अगर आपके सामने हजार बच्चों को खड़ा कर दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि आप सिर्फ देख के बता दीजिए कि कौन सा बच्चा किस क्लास का है, आप नहीं बता पाएंगे। और जब हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट ग्रुप्स बना देते हैं किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, यानी उनकी एजुकेशन के बेसिस पे, हम लोगों ने क्या किया, एजुकेशनल क्लास के बेसिस पे हम लोगों ने क्या बना दिया, डिफरेंट ग्रुप्स बना दिया। अब देखिए क्लास फर्स्ट है, इसके अंदर वाली 50 बच्चे, 100 बच्चे, 50 बच्चे, 75 बच्चे, 80 बच्चे, ठीक, इस तरीके से मान लीजिए इसके अंदर। तो आप जब क्लास फर्स्ट में एंटर करेंगे तो आपको पता है आपके सामने जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो किस क्लास के हैं, क्लास फर्स्ट के। उस तरीके से जब आप क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में एंटर करते हैं तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप क्लास सेकंड में जाकर किसी बच्चे से आप ये नहीं पूछते कि तुम किस क्लास में पढ़ते हो, क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि पूरी की पूरी क्लास ही कौन सी है, क्लास सेकंड है, यानी पूरी की पूरी सेपरेट ग्रुप है, यानी आपके पूरे स्कूल में जितने भी बच्चे थे
उसमें से क्लास सेकंड के बच्चों को सेपरेट करके एक क्लास में बैठाया गया। तो इस तरीके से आप क्या किए, आसानी से पहचान में, आसानी से अगर आपको बोला जाए कि इस पूरे स्कूल की बिल्डिंग में आपको क्लास सेकंड में जाना, अगर किसी भी क्लास के बाद कुछ लिखा ही ना हो तो आप कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। बट उसी क्लास के बाद सेपरेट सेपरेट लिख दिया गया कि क्लास सेकंड है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो एक अलग ग्रुप बनाया गया था क्लास सेकंड का, जिसके बाद लिखा हुआ था क्लास सेकंड, आप इसलिए आप लोगों ने क्या किया, लोकेट किया, आप इसलिए लोकेट कर सकते हैं, आप इसलिए बच्चों को पहचान सकते हैं। ठीक, और कौन से बच्चे डिफरेंस, यानी अगर क्लास सेकंड है उस क्लास में बच्चे बैठे तो क्लास सेकंड के, अगर उसकी क्लास फर्स्ट है तो फर्स्ट में फर्स्ट के बच्चों में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज भी आप लोगों ने पहचान लिया। उसके बाद क्या होता है, स्टडी ऑफ डिफरेंट, और आपको पता है क्लास सेकंड की बच्चों की जो थिंकिंग होगी वो कैसे होगी, उससे छोटे बच्चों की थिंकिंग कैसे होगी, तो आप वहाँ पे जाके वही क्वेश्चन उनसे पूछेंगे जो बच्चे आपको बताने लायक होंगे। शायद आप बच्चे की हाइट से, ठीक है, उसके फिजिकल लुक से आप शायद नहीं पता लगा सकते वो किस क्लास का, बट जब आपको ये पता था कि हाई क्लास क्लास फर्स्ट का बच्चा है ये स्टूडेंट, ये क्लास सेकंड का बच्चा है, तो आप उससे उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। यानी आप जो स्टडी करते हैं, यानी जिस चीज़ के बारे में समझना चाहते हैं वो आसान हो जाता है। ठीक, और मटेरियल, यानी जो मटेरियल्स का यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते, यानी अगर मैं इन नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूँ तो वहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ, मतलब समझ लीजिए प्लास्टिक के और कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट्स को मिक्स कर दिया गया, अब उसका दो ग्रुप से सेपरेट कर सकते हैं, एक आयरन का ग्रुप बना दीजिए और एक प्लास्टिक का बना दीजिए। तो आयरन वाले ग्रुप में जितने भी मटेरियल आएंगे आपको पता है वो किसका बना होगा, आयरन का, और प्लास्टिक वाले ग्रुप में जितने भी मटेरियल आएंगे वो किसके बने होंगे, प्लास्टिक के। तो ओवरऑल हम लोगों ने ये समझा व्हाट इज सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। तो सॉर्टिंग और ग्रुपिंग क्या होता है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद से इस चैप्टर के अंदर जितने भी बाकी बची हुई चीजें उसको हम लोग देखेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, अभी मिलते हैं।